मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यकता होती है एक अच्छे जीवन साथी की। जी हाँ, शादी के लिए एक ऐसी लड़की का चयन करना चाहिए जो कि अपने पति और परिवार दोनों को प्रेम पूर्वक संभाल सके। विष्णु पुराण में स्त्रियों के संबंध में कई बातें बताई गई हैं। इस पुराण में 4 ऐसी स्त्रियाँ बताई गई हैं जिनसे विवाह नहीं करना चाहिए। जानिए ये 4 स्त्रियाँ कौन सी हैं। पहला है कटु वचन बोलने वाली। कहा जाता है कि वाणी में ही माँ सरस्वती का निवास होता है। जो स्त्री मधुर वाणी बोलने वाली होती है उससे माँ सरस्वती सदैव प्रसन्न रहती है। बुरे या कटु वचन बोलने वाली स्त्री का स्वभाव भी उसकी भाषा की तरह बुरा ही होता है। ऐसी स्त्री की वजह से घर में अशांति का वातावरण बना रहता है, इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरा, देर तक सोने वाली। देर तक सोने के कारण महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाती हैं। देर तक सोना आलस की निशानी होती है। आलसी स्त्री घर को साफ नहीं रख सकती। घर में लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। घर में गंदगी होने से गरीबी बढ़ती है, साथ ही देर तक सोना कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो देर तक सोती हो या आलसी हो। तीसरा, माता या पिता पक्ष की ओर से कोई रिश्ता हो। किसी भी व्यक्ति को उस स्त्री से कभी शादी नहीं करना चाहिए जिसका हमारे पिता या माता की ओर से कोई रिश्ता हो। शास्त्रों में आपसी रिश्तेदारी या एक ही गोत्र में विवाह करना मना किया गया है। इससे जेनेटिक बीमारियां होने की संभावना होती है। जिस स्त्री से माता पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पिता पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक रिश्ता जुड़ा हुआ हो उससे शादी नहीं करना चाहिए। चौथा, दुष्ट पुरुष से संबंध रखने वाली। स्त्री को दुष्ट पुरुष से मेल जोल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी मुश्किल में फंस सकती है। दुष्ट पुरुष उस स्त्री का उपयोग अपने निजी हित के लिए कर सकता है। उसकी संगत में रहने से स्त्री का स्वभाव भी वैसा ही हो सकता है। ऐसा होने से उसके चरित्र में भी दोष आ जाता है। इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो दुष्ट पुरुष से संबंध रखती हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।